अभी यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी फ्रेंड? अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू। जी हाँ, सुबह सुबह मैं उठ के अपना मुंह वहाँ धो के कोलगेट ब्रश वगैरह करके फिर मैं अपना लग जाती हूँ अपने घर के काम में। और बाद में जब बच्चे उठते हैं तभी कुछ नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। तो अभी सुबह की झाड़ू निकाल रही हूँ, पायदान वगैरह झाड़ के अच्छे से पूरे घर में ना झाड़ू निकाल लूँगी। बच्चों के चप्पल वगैरह पड़ी है, कह रहे हो कभी कोई सी स्लीपर पहन लेता है, कभी कोई सी चप्पल पहन लेता है। तो अभी ये पे ये ना मेज़ के नीचे लगा दूंगी, जोन सी भी पहनने का पहनने का। अभी फ़िलहाल तो सो रहे हैं बच्चे और मैं अपनी झाड़ू में लगी हुई हूँ। बाहर बगड़ में भी लगानी है। और हमारी जो मोटर की पानी की समस्या थी वो काफ़ी हद तक जो है ना हल हो गई है। एक समस्या अभी भी बाकी है, आपको बताऊँगी। एक हल वो हो गई है, एक बाकी है, उसका भी समाधान हो जाएगा। दो चार दिन का टाइम लिया मिस्त्री ने। देखो, तीसरे पैर भी सकेरती हूँ, सुबह भी सकेरती हूँ, दोपहर को भी तीन तीन चार चार बार झाड़ू लग जाए। रात रात में देखो, शाम के टाइम दिन छिपे के बाद तो लगाते नहीं है, तो इतनी मट्टी इतनी किरकल हो जाती है बहुत ज़्यादा। अभी है ना पूरे जहाँ तक हाथ जाता है वहाँ तक जाके है ना पूरी झाड़ू लगाती हूँ, कूड़ा निकालती हूँ। कोनो करकट में थोड़ा बहुत भी कूड़ा रहता है। चादर में ना दूसरे दिन बदल देती हूँ, एक दिन में बदल देती हूँ, क्योंकि फिर कम गंदी होती है, आसानी से धुल जाती है। और जो ज़्यादा दिन में उतार दी तो फिर ज़्यादा गंदी हो जाती है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है मुझे उसको धोने में। एक पायदान वगैरह जो है ना भी अच्छे से ही डाल दूँगी। और एक पर्दा दरवाजे पर है, एक जंगले पर है, सोचूँ कि बीच बीच में एक पर्दा लगा दूँगी। चादर अभी अच्छे से दाबूँगी, फिलहाल तो बिछाए रखी है। अब इसके चारों कोने साइड से दाब दूँगी अच्छे से, तभी अच्छी लगेगी। ऐसे ना ऊँची नीची लटकी हुई अच्छी नहीं लगती। ज़्यादा दाब दूँ तो बच्चे अगर मतलब वही है सलवट आ जाएंगे, इसे खिंचाऊँगे इसे खींचा, ख़राब हो जाती है, मन नहीं मानता किसी चीज़ को। और अभी आ गया हूँ बाहर के साइड, तो लाइट आ रखी है, 7 बजे लाइट जाएगी। तो मैं सबसे पहले ना थोड़ा चौकी पे पानी डाल देती हूँ। दरअसल क्या है ना, पाइप ये छोटा है और मोटर जो है ना वो हमने चेंज कर दिया, हमने लगा दिया है बड़ा मोटर नलके पे। और बस अभी नल की समस्या रह गई, मैं बताती हूँ क्या हुआ। दरअसल क्या है ना, नल अभी भी उतर रहा है। कम से कम पहले 10 हत्ती मार के, 15 हत्ती मार के चलता, 20-30 हत्ती मार के एक बार मोटर चलता है, और नहीं तो फिर थोड़ा टाइम ले रहा है, मतलब पानी नल चढ़ने में और भी ज़्यादा टाइम ले रहा है, पहले से भी ज़्यादा। ऐसा लगता है कि यहाँ से उखड़वा के दूसरी जगह लगवाना पड़ेगा। फिलहाल तो सुबह सुबह मैंने पानी भर लिया था, टब वगैरह बाल्टी वगैरह चौकी साफ़ करी है, और ये अपने है ना कपड़े भिगो दिए हैं। थोड़ी देर के बाद इनको धुलूंगी, जो भी हैं बच्चों के, जो भी मुझे लगा कि इन्हें भिगोना ज़रूरी है वो भिगो दिए। अपनी साड़ी वगैरह छोड़ दी, आप लोगों ने कमेंट किया कि साड़ी में अच्छी लग रही थी दीदी, आप साड़ी बंद करो। ठीक है जी, थैंक यू, धन्यवाद। और हस्बैंड जो है ना वो 2-3 दिन से घर ही है, मिस्त्री वगैरह ला के नल में लगे हुए थे। जब इनको खूब बोलती हूँ, जब खूब लड़ाई झगड़ा होता है, जब जाके ये चीज़ें कराते हैं, 2-3 दिन से लड़ाई थी बहुत पानी को लेकर, कि मैं कितना ढोऊँ कहाँ से ढोऊँ। कम से कम ये काम तो तुम करा ही सकते हो, सारे काम मेरे ही जुम्मे पड़े हुए हैं, सब कुछ तो हमने छोड़ दिया तुम पे, फिर अब हमें पानी ढोने के लिए भी मजबूर कर रहे हो। कब तक ढोएंगे, इतने परेशानी उठानी पड़ेगी। तो आखिरकार फाइनली इतने लड़ाई झगड़ों में आगे नल हो ही गया। यहाँ पे ना एक चीज़ है हर बात के लिए पहले यहाँ पे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राम राम जी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं बढ़िया हम कुशल मंगल होंगे। दिन हो गया शुक्रवार, नहा के सुबह की पूजा पाठ सब कर लिया, और अभी और कायरो कर रहे हैं अपनी पढ़ाई। कायरो को तो थोड़ा सा हो गया, अपनी अपना होमवर्क कंप्लीट कर दिए। मैं कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी, कुछ कपड़े धो लिए थे, कुछ अभी धोने बाकी हैं। तो फिलहाल बच्चों के लिए इतना लाइट नहीं आ रही है, खाना बना लेती हूँ, फिर भी तो लेट हो जाता है, टाइम से ही बना लेते हैं, और फिर लाइट आने के बाद कपड़े धो लूँगी। मिलते हैं आपसे अभी 2 सेकंड के बाद। इस घर में कुछ भी नहीं होता, प्यार से किसी को कोई चीज़ बोलो तो आदमी उस पर नड़ा के आता है, छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ जाते हैं। कायरव जरा सा पानी डाल देते हो, अम्मा बोल देती है यहाँ मारूंगी पटक के, यहाँ मारूंगी फेंक के तुझे एक रेपटे में, तुम्हें सिखा दूँ। ऐसे व्यवहार करते हैं कि ये रूम तेरी माँ का है, ये कमरा हमारा है, अपने घर जा, यहाँ रहो, अपने घर रहो, ये हमारा घर है। ये चीज़ें जब बच्चों को बोल दी और सिखाई जाती है तो वो तो सीखता ही है। मुझे डोगी को लेके कमेंट आते हैं, डोगी को लेके कमेंट आते हैं कि आप डोगियों को बाहर क्यों नहीं भगाती, बैठे रहते हैं इन्होंने। देखो हम बहुत भगाते हैं, बहुत कितनी बार भगाते हैं रसोई, मतलब भाई आप बोलते हैं कि यहाँ बैठे रहें, वहाँ बैठे रहें, भगाते हैं, पर क्या करें। डंडा भी एक आध बार वैसे मारते नहीं हैं डोगियों को, हम डंडे से धमका देते हैं, मारते कभी नहीं है कि जिससे ये चले जाएँ, फिर भी नहीं जाते। बताओ अब इससे ज़्यादा क्या करें, दरवाज़ा 24 घंटे बंद भी तो नहीं रखा जाता, टुकड़ा डालते हैं, सब गर्मी में परेशान है, कहीं पानी पड़ा हो वहाँ बैठ जाते हैं, गड्ढा निकाल के बैठ जाते हैं, क्या करें। अनबोलते जीव है, ज़्यादा हम उनको कुछ वो नहीं कर सकते। तो ठीक है जी, मैं आगे से ध्यान रखूँगी वो दो चीज़ों में ना जाए, बाकी बरामदे तक बगड़ तक ही रहे। और यहाँ पे अभी जो है ना मैं धो रही हूँ कपड़े, तो कुछ कपड़े सुबह मैंने भिगोए थे, तो ऐसा हुआ मेरे को है ना अचार सुखाना था,
तो मैं वॉशरूम चली गई थी, तो फिर मेरा मतलब जो है नहाई बिना अचार नहीं सुखाना था, मेरा मन नहीं माना कि ऐसे हाथ नहीं लगाना चाहिए, तो मैं नहाई तुरंत ही, उसके बाद मैंने अचार सुखाया। और अभी मैं धुल रही हूँ कपड़े जो सुबह आप लोगों के सामने भिगोए थे मैंने, तो वो सारे कपड़े धुल देती हूँ। ज़्यादा मैले नहीं है, दो दो जोड़ी निकल जाते हैं जैसे गर्मी में, तो पसीने की बदबू तो आती है सर, अब मेरे को तो निकालने पड़ते हैं, कुछ मेरे हो जाते हैं गंदे क्योंकि मुझे काम करना पड़ता है। तो जैसे भाई बैठे काम कर रहे, कहीं पल्लू डल गया, कहीं चुन्नी का डल गया, कहीं सोट का, तो थोड़ा सा नहा के अभी सिर धो के मैंने बाल बांध के रखे हुए हैं। मैंने सोचा कि पहले ऐसा करते हैं, 10 बजे रहते लाइट आ गई थी कि पहले अपना ना कपड़े झोंकोल लेते हैं, फिर है ना गोपाल जी को तो नहाई दिया, पूजा कर दी, सबसे पहले नहा के पूजा ही करी, गोपाल जी नहाए, उसके बाद कपड़ों में लगी, खाने उने की भी फिर देखना है क्या बनाएंगे क्या नहीं, और उसका भी छोंक मतलब काट के रख रखा है, रेडी है सामान, बस ये मानो कि तड़का लगाना बाकी है क्योंकि उसे है ना खड़े होकर करना पड़ेगा। अब ऐसे तो नहीं उसको छोड़ के कर पाऊँगी, तो मैंने सोचा चलो एक बार ये कपड़े है ना फटाफट से निकाल के फैला देती हूँ। अब यहाँ कहीं धुरवा नहीं है, मैं बोल रही हूँ कि एक बार ये नल और फटवा दें, आपने से बोलती कि बोलो अपने पापा को कि नल और फटवा दो और एक पाइप दबवा दो पानी के लिए बड़े वाला गैलरी में, जो बाहर पानी निकल जाए। यहाँ सड़ैंद उठ रही है, बहुत बुरा हाल है सच में, बहुत भारी बेइज्जती है, कहीं पानी निकलने का रास्ता नहीं है, जगह नहीं है, यहीं बढ़ जाता है, घास उग जाता है, यहाँ तक कि जोंक भी निकलनी शुरू हो गई है। जोंक निकली, परसों बच्चे नहा रहे थे, एक जोंक चौकी पर निकल आई, वो तो सुखा रहा कि थोड़ा सा बच्चे का पैर बच गया कायरों का, नहीं तो चिपट जाती। देखो डर लगता है इन सब चीज़ों से, बस इसीलिए बोल रही थी। तो यहाँ से घर से है ना फ़ोन आ रखा था, और वैसे तो कढ़ाई साफ थी, पर फिर भी मैं थोड़ा सा कपड़ा फिरा लेती हूँ, मेरा मन नहीं मानता जब किसी चीज़ के लिए कि भाई रखी हुई होती है। बच्ची इनको विंडो में को लखा रही, मैंने कहा बंद करो बेटा विंडो में को मत लखा, उधर वीडियो बन रही है। तो अभी बस मैं ना जो खाना बनाने वाली हूँ उसकी तैयारी कर रही थी, थोड़ी सी लाल मिर्ची रखी हुई थी वो ढूंढ रही थी कि मैंने कहाँ रख दी है, उनको भी देख लेती हूँ। मेथी के दाने थोड़े से अचार के लिए आए हैं, उसमें से निकाल लूँगी, इतनी कहाँ चाहेंगे, थोड़े से रख भी लूँगी। तो फिलहाल मैं बात करती करती काम कर रही थी, और मुझे कुछ लोग बहन जैसे बोल देती है कि ससुराल में तबीयत खराब, मेरा गर्मी की वजह से भी पीड़ा चल रहा था, और मुझे बताओ फीवर हो रहा है, मुझे इतनी ज़्यादा कमजोरी आ रही है, मैं क्या ही बताऊँ। मेरे जी का मेरा मन ही मेरा मन में क्या मतलब क्या छोड़ी क्या बोलूँ इस बारे में, मैं खुद जानती हूँ कि मैं किस परेशानी से गुजर रही हूँ, इतनी कमज़ोरी मेरे को आ रही है। जैसे मैं उठ के चलती हूँ तो मेरे को अंधेरी आती है, आंखों आगे कुछ दिखता नहीं है, एकदम से ऐसा मन करता कि यहीं कहीं बैठ जाऊँ, जैसे अंधी हो गई हूँ, आंखों से साफ साफ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। इतनी कमज़ोरी, इतनी वीकनेस मैंने कभी महसूस नहीं की है, पिछले कुछ टाइम से बहुत महसूस कर रही हूँ, और पिछले कुछ टाइम से बहुत तनाव में भी चली हूँ, उससे भी मेरे को फ़र्क पड़ा है, क्योंकि जब कहीं ना कहीं वो जिक्र आ जाता है तो मैं कितने दिन तक सोचती रहती हूँ, मेरे मन से वो चीज़ें निकलती नहीं है। मेरी बेटी नहा ली और उसने साई वगैरह लगा ली, बाल बांध लिए, मम्मी कैसी लग रही हूँ, मैंने कहा अच्छे लग रहे हो। तो यहाँ पे हम खाने में क्या बना रहे हैं आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया, तेल गर्म हो गया, उसके बाद हमने छोंक डाल दिया, प्याज है, लहसुन है, ये साबुत लाल मिर्चें हैं, इसमें थोड़ा सा चावल है, हल्की सी मेथी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना कढ़ाई में डाल दी है, अब इनको अच्छे से भून लेते हैं, कढ़ी घोल के ना रेडी कर दी है। तो ये अभी मसाले ना अच्छे से गुले नहीं है, इनको है ना थोड़ा सा घोल दूंगी मैं चम्मच वगैरह के साथ, हाथ से नहीं घोला मैंने आज कुछ भी, चम्मच से ही घोल रही हूँ। और ये ना कैमरा चेंज हो रखा था तो यहाँ पे आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, बाद में ध्यान दिया अम्मी ने, कह रही मम्मी ये तो कैमरा जो है ना इसमें सब वाइट वाइट प्याज दिख रही है, काली काली कढ़ाई गैस दिख रही है, देखा तो कैमरा चेंज हो रहा है। मैंने कहा चेंज करो बेटा, ना बाजी फेरी बच्चे फ़ोन ले रहे हैं हाथ में तो चेंज कर देते हैं, कह रहे हो भी कर देता है। तो यहाँ पे बस अभी है ना छोंक अच्छे से भुन जाएगा, हल्का हल्का सा इसका जो कलर है ना गोल्डन ब्राउन हो जाएगा जैसे ही, तो अभी यहाँ पे इसका कलर है ना हल्का हल्का चेंज हो गया। तो तुरंत ही मैंने इसमें जो है ना कढ़ी घोल के रखी हुई थी, इसमें नमक मिर्च धनिया और सादा नमक ये सारी चीज़ें डाली हुई थी, तो सभी को बताया, बताने वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो बस अभी कढ़ी छोंक ली, मैंने पकौड़ी वगैरह भी डाल सकती थी, आलू भी, तो कुछ भी नहीं डाला मैंने, हम लोग ना सादी कढ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, मुझे पकौड़ी वगैरह मुझे तो अच्छी नहीं लगती, अगर बच्चों की इच्छा होती तो मैं डाल देती। तो बस अभी यहाँ पर कढ़ी छोंक दी है, और दूसरे वाली गैस पर भी मुझे कुछ बनने के लिए, पूरी रोटी के लिए तवा रखना था, मुझे रोटी बनानी है, कढ़ी है रोटी बन जाएगी, चावल बनाने होंगे तो बना लेंगे, पर ये सोचा कि चावल नहीं बनाते, ऐसा करते हैं कि हमें ना उठा के कढ़ी के लाल रोटी बना लेते हैं। बच्चे मना कर रहे, मम्मी कढ़ी के लाल रोटी बना लो, चावल खाने की इच्छा नहीं है। मैंने कहा चलो ऐसा कर लेते हैं जैसा आपको ठीक लगे। देखो मेरी फैमिली में मेरे छोटे छोटे बेबी हैं, उनके अकॉर्डिंग ही मैं खाना बनाती हूँ, उनके अकॉर्डिंग जो भी उनको ठीक लगे वो बनाती हूँ खाती हूँ। मेरा
लगता है कि मेरा जीवन बस इन्हीं से शुरू है और इन्हीं पर ही ख़त्म है। ठीक है बेटा चलो, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मन को छू जाती हैं, मन से उतरती नहीं है। कुछ ऐसा ही हुआ जो मेरे मन से उतर नहीं रही है। जब भी मैं इस बारे में सोचती हूँ तो मैं बहुत डिप्रेशन में चल जाती हूँ, वीकनेस कमजोरी महसूस होने लगती है। मुझे समझा भी रहे थे सब लोग कि ज़्यादा मत सोचा कर इस बारे में, नहीं तो किसी दिन अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। तो अचार हमने धूप में सुखा के रखा हुआ है, कुछ फाँक जो है ना अभी इसमें गिली है, शायद इसे एक दिन की धूप और लगानी पड़ेगी। जो कपड़े धुले थे वैसे ही छोड़ दिए थे, क्योंकि एकदम से मेरे को ना खड़े कर इतना तेज़ चक्कर आया, अंधेरी आई और मैं ज़मीन पर गिर गई। फिर मेरे बच्चे मेरे को उठा के अंदर ले गई अपनी, मम्मी उठो उठो क्या हो गया, बहुत देर बाद मुझे पता चला कि मैं यहाँ पड़ी हुई हूँ, उसके अंदर ले गई। फिर मैं थोड़ा होश सा आया तो मैं उठी, अपना मुँह हाथ धोया, मैंने कहा मैं कहाँ कपड़े सुखाने जा रही हूँ। मम्मी आप फिर लग गया, आपको ज़रा सी भी फिक्र नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, बस बच्चा कपड़े सुखा दूँ फिर आप लोगों के साथ मैं बैठती हूँ। कभी कभी है ना हम सोचते हैं कि हमारे सब अपने हैं, अपने हैं, अपना कोई नहीं है इस संसार में, अपने सब हैं पर अपना कोई नहीं है इस संसार में। क्योंकि मैंने देखा है यहाँ रिश्तों को रंग बदलते हुए, अपनों को रंग बदलते हुए। तो देखो अपना क्या है इस जीवन में, सिर्फ अपना शरीर। अगर अपना सब शरीर सही है तो सब सही है, अगर अपना शरीर सही नहीं तो कोई साथ नहीं है। क्योंकि शरीर एक ऐसी चीज़ है जो सही चलेगा तो ठीक, अगर हम कर नहीं पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, कमा नहीं पाएंगे, खाने के लायक भी नहीं रहेंगे, आस्तिक हो जाएंगे, तो फिर कोई कदर नहीं करता। मैंने ये चीज़ देखी है, अगर आदमी का शरीर सही है तो सब सही है, अगर शरीर सही नहीं है तो कोई साथ नहीं है। मैंने वो चीज़ देख ली, क्योंकि मैंने ना बहुत चीज़ ऐसी नोटिस की है सभी के साथ ना, कि जब वक्त अच्छा हो तो सब साथ है, वक्त ख़राब है तो कुछ भी साथ नहीं है, शरीर सही नहीं तो कुछ भी सही नहीं। तो जैसे मुझे इतनी कमज़ोरी, इतनी दिक्कत हो रही है, तो उसमें मैं देख रही हूँ कि अब मेरे पास कोई भी शख्स ऐसा नहीं है कि जो 2-4-10 दिन के लिए मेरे पास आ जाए। मैं इस टाइम चलते हुए भी अंधेरी आवे, दिक्कत आवे, अब कैमरे में बात करूँ तो कड़ा कड़ा दिख रहा है, इतनी वो चीज़ें महसूस हो रही हैं कमज़ोरी, कि थोड़ा रेस्ट कर पाऊँ। बस छोड़िए, और इस बारे में क्या कहूँ, अब किसी चीज़ दुनिया में है ना बस अप्पा ही अप्पा है। अगर अपने आप ठीक हो, अपने पास सब वो है तो सब ठीक है, नहीं तो कोई किसी का साथी नहीं है दुख सुख का। और जहाँ अपनी खुद की गाड़ी खड़ी हो ना, तो वहाँ तो कोई किसी का साथ नहीं देता। मैंने ये भी देखा है, जब अपने घर में इज्जत नहीं होती ना, तो फिर बाहर भी इज्जत नहीं मिलती। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों बोल रहे हो, कुछ चीज़ें ऐसी हों जो वैसे ही ठीक है, अंदर ही ठीक है, बाहर ना आए, वक्त पर ही आए तो ज़्यादा अच्छा है। और एक बहन मेरी नाराज़ हो रही थी कि मेरा नाम नहीं लेती, उनका नाम मैं अभी बताती हूँ। और हाँ, कूलर के घास लेट को लेके आ रहा था एक दीदी का कमेंट कि इसका घास जो है ना चेंज कर दो, इसका एक पाइप भी नहीं चल रहा है पानी वाला, और अब एक चीज़ और ख़राब हो गया। बाज़ार तो जाना मेरी ये मजबूरी हो, जहाँ छोटी छोटी चीज़ों को मुझे बाज़ार जाना पड़ता है, रही अभी तक नहीं मिली है। और मिक्सी भी ख़राब हो गई है, मिक्सी की डोरी में अचानक से आग लग गई, वो बदलवानी पड़ेगी। और एक हमारी माता रानी की मूर्ति जो है ना, वो हमसे टूट गई थी, मतलब गिर गई, उसकी गर्दन टूट गई, उसको खंडित हो गई, उसको सला के आना पड़ेगा। एक दो काम हो रहे हैं, कुछ सोच रही हूँ रसोई में, तो हाँ कुछ और भी कराने की, तो दुकान पे जाना पड़ेगा एक दो पे। चलो जो भी होगा ब्लॉग में अगले में शेयर हो जाएगा। हाँ, रात एक ब्लॉग डाला था, वो देख लीजिएगा आप। कल मेरी वीडियो लेट हो गई थी, मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं डाल, मतलब मंडी भी बच्चों ने बार बार फ़ोन छीन लिया, नहीं मम्मी बेटी ने, नहीं मम्मी मैं नहीं गिरने दूँगी, मैं नहीं गिरने दूँगी, कुछ हो जाएगा आपको, जब इतनी तबीयत ख़राब है मत डालो। तो फिर मैंने वार्ड डाला था, वो 8 बजे 7:30 बजे शायद 7:30-7:45 बजे के आसपास। तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को भी वॉच कीजिएगा और ये ब्लॉग भी देखिएगा। उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा। और उनका बहन का नाम ले देते हैं, ID पे आपका नाम हरविंदर कौर आ रहा है, तो आपने अपना नाम भेजा भी होगा तो कमेंट्स मेरे से निकल गया, आप दोबारा भेज दीजिएगा, क्योंकि कमेंट्स आगे आते हैं तो जो लाइक करे हुए वो पीछे चले जाते हैं। आपकी ID पे आपका नाम हरविंदर कौर है, तो थैंक यू दीदी मेरी वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी बहन भाई जो भी देख रहा है उन सबको तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग बोलते हो दीदी आप नेगेटिव कमेंट पर ज़्यादा ध्यान देती हो, पॉजिटिव पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2-3 के कमेंट्स ये आए हैं कि हमारे कमेंट्स जो है ना डिलीट हो गए हैं, आप डिलीट कर रही हो या डिलीट हो रहे हैं, ये हम कर रहे हैं खुद से भी डिलीट हो रहे हैं। तो देखो वो मुझे नहीं पता क्यों हो रहे हैं, पर जो ज़्यादा उल्टा सीधा बोलते हैं उनके हटा देती हूँ मैं, हद होती है यार किसी को इतना गलत सलत बोलने की। पर जो अच्छे करते हैं उनको सबको लाइक करती हूँ, जो ज़्यादा ही मतलब बदतमीजी की लिमिट क्रॉस करता है उनके लिए जगह नहीं है, बाकी सब बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू,
तहे दिल से थैंक यू। बस अपना साथ सपोर्ट प्यार मेरे मेरे क्या अपने बच्चों पर और मुझ पर भी बनाए रखिए। मेरे जो बड़े बुजुर्ग अम्मा दादी बहन चाची ताई मेरी वीडियो देखती हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है आप मुझे भर भर के आशीर्वाद दीजिए और मेरे बच्चों को भी, जिससे इनका भविष्य सेटल हो जाए और मैं दिन रात कितनी भी मेहनत करती हूँ वो मेरी सफल हो जाए। बस मेरे लिए यही काफ़ी है क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद से ही फलता है आदमी। इससे पहले कि कोई बोले तेरे घर में तेरी सास है उनका भी ले। मुझे एक बहन ने बोला भी था कि बात करो बहन, मैं हजार बार ये चीज़ें करके देख चुकी हूँ, थक चुकी हूँ मैं, अब बात करने के लिए बचा ही कुछ नहीं है। हर एक रिश्तेदार, हर एक सगे संबंधी, बाहर के भीतर के सब आ चुके हैं। एक दिन बताऊंगी आपको आखिर में क्या हल निकला था।